गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल। बस गले की हालत बहुत खराब है यार। लास्ट तब भी आवाज निकल रही है, लास्ट दो दिन से ना आवाज तक नहीं निकल रही थी। पता नहीं कैसे मैं ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन भाई जो होगा इसी इसी गले के साथ होगा, ठीक है। उजार के भैया के घर जाना है, हम लोगों को आज भीड़ से मिलना है। भीड़ मेरे को, मेरा प्रोनाउंसिएशन का मेरे को ठीक करना पड़ेगा कुछ। मतलब बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है, इतना से इतना बड़ा तो होगा ही, ठीक है। बेसिकली बहुत ये वाला ब्लॉग मैं बना रहा हूँ आज 21 मार्च को। मेरे को पता नहीं है कब तक मैं अपलोड करूंगा, शायद इसी महीने के अंदर अपलोड कर दूंगा। बेसिकली मैं अभी फ्रेश होने जाता हूँ, फ्रेश होके मतलब नहाने जाता हूँ भाई। कल मैं नहीं नहाया था, अभी मैं नहाने जाता हूँ। नहाने के बाद एकदम भाई घर से निकलते हैं, निकल के डायरेक्ट उजान के भैया के घर के सामने जाके मिलते। चलो बस, ठीक है। तो बॉस अभी जस्ट मैं कालीघाट पहुंचा हूँ, कालीघाट मेट्रो के जस्ट मैं बाहर हूँ। घर आते आते भाई मेरे को अभी इट्स 1:15 ऑलरेडी भाई, मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया इधर आने में। 1 घंटा का जर्नी था, वो मैंने 2 घंटे का कर दिया। बेसिकली उबेर बाइक बुक किया हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सस्ता में मिल रहा था। रैपिडो ओला बाइक तो आसमान छू जा रहा था। एनीवे गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं उजान के भैया के घर और उधर चाटी टैग मिलते हैं, ठीक है यार। चलिए भैया, पता है आपका आने से पहले ऑलमोस्ट 4 या 5 ड्राइवर मेरे को कैंसिल किया, 5-6 पता नहीं, कोई बिना रीजन के। कोई पूछ रहा कि भाड़ा कितना है, वो बोला भैया इतना में नहीं जाएंगे। बट कहाँ बताओ, लास्ट में मैं ऑटो करने वाला था तभी आपका लग गया। देखो इतना दूर आ गए, हेलमेट पहनना भूल गए थे। अभी कहीं पकड़ लेता ना, पुलिस फाइन ले लेता। कितना का फाइन लगा था भैया? 300-400 रुपये निकल जाता। मैं 50 रुपये का राइड दे रहा हूँ, ऊपर से 300-400 का फाइन लग जाता। कितना हुआ वो देख लीजिए। तो बॉस ये है पन्ना स्वीट्स, इधर मेरे को उजान वेट करने बेसिकली बोला। जब मैं गाड़ी से उतर रहा था, भैया मेरे से पूछ रहे थे यार कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। मैंने बोला भैया एक मिनट रुकिए, यूट्यूब खोली है मैंने, अपना चैलेंज सर्च करवाया, उनसे सब्सक्राइब भी करवा दिया। ब्लॉगिंग इज स्टिल अ न्यू कंसेप्ट, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। कोलकाता में अभी भी ब्लॉगिंग उतना पॉपुलर नहीं है। तो उजान मेरे को लेने भी नहीं आया, मेरे को लोकेशन भेज दिया। मतलब कैसे दोस्त है मेरे भाई। मेरी अभी फिट रही है यार, ये हाउंड का बच्चा का देख, लिटरली कुत्ता का हाउंड का बच्चा ज्यादा। हाय रियल, उसको कोई शांत करो भाई, मैं नहीं जा रहा भाई। उसका साइज देख भाई, उसका साइज देख। अरे जीतो फुले जीतो बोलो भाई। अच्छा अच्छा, नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल होएगा, चल नॉर्मल होएगा, चल नॉर्मल होएगा, चल नॉर्मल होएगा, चल नॉर्मल होएगा। प्लीज शावर्स ओ भाई, गाना खोरे चल दो नवीर। ओ भाई उसका साइज देख। अरे लिटरली अभी मैं उजान को बोले तो उजान मेरे को अभी रूम में बंद कर दिया था। ये अभी कोई मुर्गी, मैंने मुर्गी की मुर्गी चावल, मुर्गी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? अरे भाई 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 भाई, अरे तो गाइस मैं इतना देर तो मेरी फट गई थी, लेकिन भाई मैं फॉर्मल एक इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। गाइस दिस इज वीर। जीप इतना बड़ा क्यों है? मैं इतना लाइफ में इतना बड़ा डॉग पहले कभी नहीं देखा हूँ। इसका साइज मैं आपको बता नहीं सकता। अगर अच्छा ये खड़ा होगा तो कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा? 6 फुट 3-4 इंच। अरे वीडियो तुल जा, ये अगर देखो खाना चाहिए एक बार मेरा पूरा सर कट जाएगा। इधर देखो, ये बोला टाइम बोला ये कौन
अब भाई मेरा इसका थोड़ा बहुत ये मेरे को पहचान गया, अब ये मेरे को नहीं खा जाएगा। सही वैसे अगर ये मेरे को चाहे एक बार में मेरा मेरा पूरा सर खा जाएगा। इसका मुर्गी मैं बेकारी से डर रहा था भाई। ये देखो मुटकुटो सो गया है। मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये संजय भैया है। संजय भैया जरा हाई हाथ पथ हिला दो। कुछ कहना है आपको? आप पहली बार मेरे ब्लॉग में आओगे? अच्छा अच्छा कूल। जब मैं घर के अंदर आ रहा था ना भाई, मैं इसको देख के समझा था ये जैसे ही मैं उसके सामने जाऊंगा ये मेरे को लंच समझ के खा जाएगा। लेकिन भाई ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, कुछ करता है नहीं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भाई अभी इसका कुछ ज़्यादा ही इसके करीब चल जाऊँ। क्या पता इसका मन चेंज हो जाए, सही में खा जाए। बेटी तुझे कुछ बोलना है क्या? लिटरली वो देखो मेरा प्लेट इधर है, इधर मेरा प्लेट है और इधर भीड़ है। मैं इससे डर रहा था भाई आने के बाद। देखो कैसे खा पी के लेटा हुआ पड़ा हुआ है। तो वो सभी शाम के 6:30 बज रहे। सुचिस्मिता दी अभी देखो काम कर। संजय भैया कुछ जो अच्छा गाइस मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। दिस इज कौशब दा एंड बताइए कुछ अपने बारे में। अच्छा गाइस जिन जिन को नहीं पता भाई, कौशब खाड़ा इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट गाय इन बेहाला। अरे मतलब ये मतलब क्या कहते हैं, फिशरमैन है, फिशरमैन। हिंदी हिंदी थोड़ा हिंदी इंग्लिश कुछ बता दो जिससे पब्लिक को समझ में आए। देखो नॉर्मल अड्डा मारने के लिए आता है, अड्डा मारने के लिए आता है 10,000 रुपए का आउटफिट। तो बहुत सभी संज्ञा निकल जा रहे थे। संज्ञा भाई सभी हम लोग बाहर आए हुए हैं और भाई टमाटर ले रहे। बेसिकली उजान आजकल रात का डिनर बनाएगा। उजान की बना चीज सरप्राइज। जान सुनना भाई एक बात है, तुम लोग जो धनिया पत्ता का पैसा खाए दे रहे हो, ऐसे भी तो सब्जी लेने पे थोड़ा सा धनिया पत्ता फ्री में मिल जाता है, वैसे ही मांग लो ना। गलत बात ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। इधर भैया देखो प्याज काट रहे हैं। बात था कि उजान खाना बनाएगा, लेकिन भाई उजान किसी से बतिया आ रहा है। और इधर देखो भैया काम कर रहे हैं। ये मूसा का घूसा वीडियो करना छोड़ के अभी स्टार्ट किया है कुकिंग करना। भैया आपसे नहीं हो पाएगा। आप वो कह सकते हैं आप ऑफिस कंप्यूटर के सामने बैठे रहिए, आपसे ये नहीं पाएगा। क्यों? अच्छा ही तो बात कर रहा था मैं। नाइस। ये है मेरी मॉम। हाँ एक ब्यूटिशियन है। छोड़ वो सब छोड़। ये क्या किया? ये मैंने आज निकाला था भाई, ये आज मैंने पैकेट से निकाला था। ये तो बहुत बड़ा संजीव कपूर। क्या की भाई वो सब छोड़ भाई, ये क्या है? मेरे को ये धोखे चाहिए। माफी। जो समझ में आ रहा है ये जो तुम बना रहे, इसके अंदर तूने टमाटर डाला, कैप्सिकम डाला, ये जो लाल मिर्च का पाउडर डाला, लेकिन मेरा अभी भी एक ही सवाल है, बना क्या रहा है ये? चिकन बना रहा है, अंडा बना रहा है, मछली बना रहा है, मटन बना रहा है, बना क्या रहा है? टमाटर बना रहा है। टमाटर तो बताना भाई, बहुत देर से पूछ रहे। चटनी बना रहा है ऐसे। क्या देख रहे हो भैया? भैया ये उम्मीद नहीं था भैया। भैया का कंप्लेन है, मैं जब भी इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये तब भी अदनंगे पड़े हुए हैं। बताओ भैया कमेंट्स में आकर बताना गाइस कि भैया अदनंगे कैसे लग रहे हैं। प्लीज भाई ये सब को बिजना की सब पहुंचे। और ये देखो मैंने बताया ना सुबह मेरे को देख के भौंक रहा था, अभी भी सो रहा है भाई। ये जब भी मैं इसको देख रहा हूँ तभी लेटा पड़ा हुआ है। हम यार बजरंगी भाईजान देखे, यही मूवी देखते गए ना।
রীতিমতো অনেক এক্সপেকটেশনস নিয়ে গেছিলাম। না ঠিকঠাক দেখ, ঠিকঠাক মুভিটা। আচ্ছা চলো, अरे हाथ पैर दीपा भैया का शक्ल में, दीपा भैया इस बार मेरे से भाई फिर से मेरा गलती नहीं है, आप कपड़ा काहे नहीं पहनते फिर से। नहीं तो सुची थी फाइनली काम करके आई है, अच्छा ली भी गई, वाओ नाइस। जो अब बता दे भाई ये क्या है, लेबनीज क्या नाम दो, शाक्षुका, शाक्षुका अच्छा है, नाइस गुड जॉब। तो बस खाना पीना का पूरा सीन खत्म भाई, और जिन जिन को नहीं पता भाई उजान इज अ रियली गुड शेफ, मतलब वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। ऐसे मेरे को बोला कि वो मेरे को बोल रहा था कि अगर मैं उसका तारीफ नहीं करूँ वो मेरे को रात को घर से निकाल देगा, और मेरे को अभी बस बस कुछ नहीं मिलेगा, क्या ही कर लेंगे। दीपम भैया अभी फाइनली भाई शर्ट पहन रहे हैं, अल्लाह मैंने बोला कि उनको वीडियो के आउट्रो देना है, तो भाई तो बस आज का पूरा वीडियो मतलब लिखा पूरा ब्लॉग मुंबई को डेडिकेटेड है, उनका घर है, उनका डॉग है, उनका आत्मनंदा पूरा वीडियो में पूरा शरीर था उनका। अच्छा गाइस जिन को नहीं पता भाई दिसंबर में दीपम भैया का और सुचिस्मिता दी का शादी हो रहा है, तो ये सबको इन्वाइटेड है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को मतलब ब्लॉग अच्छा लगा मेक श्योर हिट द लाइक बटन, अगर पसंद नहीं आया भाई तब तुम्हें भी प्रॉब्लम है, तब इसका लाइक कर देना यार। अगर तुम पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार मुसा भाई को देख रहे हो, जिंदगी तुम्हारी झंडे सर के ऊपर कफन है और गरीबी चरम सीमा पे, मेक श्योर अरे कोई बोल दो भाई क्या करना है, मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डिसलाइक द वीडियो, तू जा भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीरू तेरे को कुछ बोलना है कैमरा में, कुछ बोलना है किसी को, कुछ बोलना है, देखो बस ऐसे नहीं होगा भाई, बोल दे कुछ, हाय बाय भाव कुछ बता दे, चला गया।